लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। अब चुनाव अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस बीच सभी नेता सातवें चरण के प्रचार में लग गए हैं। इस बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जनता से खास अपील की तो राहुल गांधी ने दिल्ली में जनसभा की तो वहीं अखिलेश ने प्रतापगढ़ में चुनावी सभा की और सभी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सातवें चरण के मतदान से पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक्स पर एक वीडियो जारी किया है। सोनिया गांधी ने वीडियो के जरिए मतदाताओं से कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। मैं आपसे अपील करती हूं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिल्ली की सातों सीटों पर भारी मतों से विजयी बनाएं। तो वहीं राहुल गांधी ने दिल्ली में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस की योजनाओं के बारे में बताते हुए पीएम मोदी पर हमला किया। राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी इंटरव्यू में कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मोदी कहते हैं मुझे परमात्मा ने भेजा है और उनके चमचे कहते हैं वाह वाह वाह, क्या बात बोली है। राहुल ने आगे कहा कि परमात्मा को जिन्होंने भेजा है वो सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हरियाणा में चुनावी सभा में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, मोदी सरकार में सारी नीतियां बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनती हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में उस मंत्री को टिकट दिया है जिसके बेटे ने किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी। देश में आज ऐसे हालात हो चुके हैं। वहीं मोदी आपके लिए कानून लेकर आए हैं जिसके खिलाफ आप महीनों तक दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी का एक भी नेता आपको देखने तक नहीं आया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में कहा कि सपा और कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनी तो अग्निवीर योजना बंद कर युवाओं को सेना में स्थायी नौकरी देने का कार्य करेगी। अब जनता भाजपा का हिसाब करेगी। डीपी लाइव की रिपोर्ट।